नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज बात करेंगे 3 फरवरी 2020 को जो शुक्र का प्रवेश मीन राशि में होने जा रहा है। देखिए, मीन में शुक्र उच्च के होते हैं और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं मीन राशि में ये, क्योंकि ऑब्वियसली जब उच्च का कोई ग्रह होगा एग्जॉल्टेड साइन में तो वो अच्छा रिजल्ट करेगा, बहुत पावर में होगा। कुंभ लगने वालों के लिए इसके लिए इसका क्या असर रहेगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक, कंफर्ट जोन का कारक, ग्लैमर का कारक, सुख का कारक, प्रसिद्धि का कारक, एक्टिंग का कारक, उसके साथ साथ लाइफ पार्टनर का कारक, वैवाहिक सुख का कारक, इन सब चीजों का कारक शुक्र बनता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट आज के इस मॉडर्न एज में होता है, जहां पर लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। तो शुक्र बिंग द वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, कहां ये आपकी कुंडली में पॉजिटेड है, क्या इसकी पोजिशन है, इसके पॉजिशन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर अच्छे पोजीशन में, जितने अच्छे पोजीशन में है, कंफर्ट जोन लाइफ का उतना अच्छा रहता है। जितने बुरे पोजीशन में शुक्र हो, कंफर्ट जोन लाइफ का मिस करता है। हाँ, हो सकता है धन संबंधित चीजें आपको अच्छी मिल जाए, अगर आपका सेकंड हाउस मजबूत है, धन संबंधित जो ग्रह है, इनकम हाउस, सेकंड हाउस, ये सब मजबूत है तो धन आपको बहुत मिल जाए। लेकिन निश्चित रूप से अगर शुक्र नीच का हो जाए तो आदमी कंफर्ट जोन को लाइफ में जरूर मिस करता है। तो ये सब चीजों के कारक, मनी के भी कारक, धन के भी कारक शुक्र होते हैं। शुक्र की जो अधिदेवी होती है, मां लक्ष्मी होती है, तो डेफिनेटली ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं धन से। तो इन सब चीजों के कारक अभी जब जो इनका गोचर होने जा रहा है, मीन राशि में होने जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां सेकंड हाउस में अभी देखिए कुंभ वालों के लिए ये गोचर करेंगे, तो कुंभ वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुंभ वालों के लिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र बनते हैं और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बनते हैं, बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं। एक तो देखिए लग्नेश शनि से संबंध इनका बहुत अच्छा है, पहली चीज तो ये है। दूसरा, फोर्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव, सुख भाव के मालिक बनते हैं, और आपका नवम भाव सबसे शुभ त्रिकोण, सबसे योग कारक घर, क्योंकि वो हमारा भाग्य होता है। तो भाग्य का मालिक होकर के और सुख भाव का मालिक होकर के जाके बैठेंगे धन भाव में उच्च के। यहां पर देखिए, सबसे पहले भाग्य से संबंधित रिजल्ट्स आपको अच्छे करेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है धन से संबंधित रिजल्ट्स आपको भी आपको अच्छा मिलेगा, आपको सुख भाव से संबंधित रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा, वैवाहिक सुख से संबंधित रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि देखिए इस लग्न में ये बहुत ही कारक ग्रह बनते हैं। तो भाग्य में वृद्धि करना, भाग्य के साथ साथ धर्म का ये भाव है, धर्म करने की इच्छा भी आपको इनके गोचर में अगले महीने तक बढ़ सकती है। उसके साथ साथ सुख भाव में वृद्धि, माता से संबंध बेहतर होगा, मातृ सुख में आपको वृद्धि होगी, बाग बगीचा घर सुख वाहन का ये घर होता है। अगर गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट यहां पर शुक्र मिल सकते हैं, कोई अच्छी गाड़ी आप खरीद सकते हैं, ये सब रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। धन भाव में उच्च के बैठेंगे, धन को बढ़ाने की कोशिश शुक्र करेंगे, क्योंकि बहुत ही योग कारक ग्रह यहां पर शुक्र बनते हैं। शुक्र के रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए, और ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र का बीज मंत्र है, ये भी आप कर सकते हैं 108 बार, इससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं मीन वालों के लिए कैसी स्थिति शुक्र के मीन में प्रवेश करने के लिए रहेगी। देखिए, मीन वालों के लिए जो शुक्र होते हैं, टू बी फ्रैंक, थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के और एट्थ हाउस के लॉर्ड होकर के मीन वालों के लिए मारक ग्रह होते हैं, निश्चित रूप से इसको आप लोग भी जानते होंगे, और बैठेंगे उच्च का लग्न पे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वैवाहिक सुख में भी थोड़ी कमी यहां पे कर सकते हैं शुक्र, क्योंकि निज दृष्टि यहां डालेंगे मारक ग्रह होकर के। एट्थ का लॉर्ड होकर के उच्च का बैठेंगे आपके लग्न पे जाके। हाँ, आप हो सकता है बेहतर दिखने का प्रयास करें, इस महीने आपका इंटरेस्ट और अच्छा दिखने में हो सकता है, साज सजावट को बढ़ाने में हो सकता है, ये सब आपको आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, और एक चीज हो सकता है, थर्ड का लॉर्ड यहां पर शुक्र है आपका उच्च होकर के बैठेंगे, तो आपके प्राक्रम में वृद्धि हो सकती है, ये सब अच्छे रिजल्ट शुक्र आपको कर सकते हैं। बट चूंकि ये मारक हैं और एट्थ के लॉर्ड हैं, तो कुछ परेशानियां आपको हेल्थ से रिलेटेड या इश्यूज थोड़ा बहुत दे सकते हैं, उसमें सावधानी रखिएगा। खाना पीना पे आप जो है थोड़ा अनुशासन रखिएगा, अपने लग्न को मजबूत करिएगा, गुरु की आराधना करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिएगा, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी शांति से चलिएगा। नीच दृष्टि डालेंगे मारक होकर के सेवंथ हाउस पे, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ओम शुम शुक्राय नमः बीज मंत्र आप कर सकते हैं, वैसे थोड़ा अवॉइड करिएगा मंत्र वगैरह, क्योंकि इसमें मारक होते हैं शुक्र, तो जनरली आप गुरु को मजबूत करिएगा, शुक्र के अपोजिट होते हैं, उससे रिजल्ट्स आपके लिए और अच्छे हो जाएंगे। तो ये था आज का गोचर दो राशियों के लिए। बाकी आप विशेष परिस्थिति के लिए देखिए, ये गोचर आधारित परिणाम है एक ग्रह का, एक ग्रह शुक्र का कैसा रिजल्ट्स रहेगा। विशेष परिस्थिति के लिए आपको किसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, इनकम हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, आपके कुंडली में विभिन्न चार्ट्स में बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि कैसा आपका समय चल रहा है या चलेगा। तो विशेष परिस्थिति या विशेष निर्णय के लिए या किसी विशेष परेशानी में हो तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी करा लीजिएगा, उसके लिए आप मेल पे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको जहां अच्छा लगे आप वहां करा सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति के लिए जरूर करा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।